न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी मेथी मटर मलाई रेसिपी। तो उसके लिए मैंने ये अनियन प्याज और हरी मिर्च अदरक लहसुन का अच्छे से मैंने वो कर लिया, बारीक काट लिया, और दूसरी साइड में मैंने ये मेथी मटर अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब मैंने कढ़ाई रख दिए हैं, अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी और थोड़ा सा ये हीट हो जाए तो मैं इसमें ऑयल डालूँगी, और ऑयल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा ऑयल को पकने दूँगी। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है, मैंने पहले इस कढ़ाई के अंदर थोड़े से मटर जो है वो फ्राई कर रखे थे तो इसी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ऑयल डाल दिया, अब मैंने इसके अंदर ये मेथी डाल दी है, अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। और ज़्यादा मुझे इसको ब्लैक नहीं करना है, हल्का सा भूनना है ताकि जो इसमें जो कड़वा कड़वा जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाए और खाने में टेस्टी लगे। तो मैंने ये सारी मेथी जो है इसमें डाल दी है, मैंने मेथी की जो मात्रा है थोड़ी कम रखी है और मटर की ज़्यादा रखी है, क्योंकि मेथी थोड़ी सी वो जाती है, थोड़ा गर्म होता है, तो इसलिए मैंने इसमें जो है मेथी की जो क्वांटिटी है थोड़ी कम रखी है। तो अब मैंने ये मेथी डाल दी है, अब मैं इसको अच्छे से रोस्ट करूँगी, भूनूंगी अच्छे से ऑयल के अंदर। अब मैंने ये मटर भी डाल दिए हैं, अब मैं दोनों को अच्छे से भूनूंगी इसके अंदर ताकि जो मटर थोड़े से कच्चे अच्छे होंगे वो उसमें से भून जाएंगे और जल्दी कुक हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम ही लगेगा कुक होने में। तो ये दोनों मैं अच्छे से भून रही हूँ, आप देख सकते हैं ये मटर और मेथी मेरे अच्छे से भून चुके हैं। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है, अब मैंने उसमें से टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा काजू और प्याज के जो स्लाइस थे मैंने उसे काटे डाल के अच्छे से भून लिया ताकि जो इनका जो कच्चा कच्चा जो टेस्ट होता है वो थोड़ा पक जाए और ये जल्दी कुक हो जाए। तो मैंने ये सब चीज़ डाल दी है, अब मैं इसको ऐसे चला लूँगी। देखिए टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक इन सबको जो मैंने भुना था, अब मैं इनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है मुझे, उसको ज़्यादा पतला नहीं करना, हल्का सा थोड़ा थिक ही रखना है। तो मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अब मैं अब तड़के की तैयारी करती हूँ। तो पहले मैं ये मिक्सर जो है अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ और जो है अब मैं इसकी तैयारी करती हूँ खाने के लिए। देखिए फिर मैंने ये ऑयल डाला है इसके अंदर, अब थोड़ा सा ये हीट हो रहा है। तो अब मैंने ये जो मैंने मसाले जो मिक्सर में ग्राइंड किए थे अब मैं ये तेल में डाल दूँगी और इसको अच्छे से भूनूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको ज़्यादा पतला नहीं किया, थोड़ा सा मोटा ही रखा है। तो जो थोड़े बहुत रह गए हैं उसको मैं पानी के साथ ही, जब मैं पानी डालूँगी तो उसके साथ ही इसको अच्छे से कुक करके डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैं उसको भून रही हूँ, इसको अच्छा सा ही भूनना है, जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा, उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको भूनते रहना है। और दूसरी तरफ मैंने चावल रखे हैं, हाँ तो आज संडे है, सब लोग बाहर जो है नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, तो मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि संडे को बहुत काम जाता है, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी जो है जल्दी बना ली थी। तो सिर्फ अब रोटी रोटी बनानी पड़ेगी, तो वो तो हम कभी बना देंगे। तो अब मैं मसाले में डालूँगी ये हल्दी, और ये डालूँगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर धनिया पाउडर, और फिर थोड़ी सी देगी मिर्च, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है देगी मिर्च, उसका कलर भी आता है प्लस टेस्ट भी आता है। और ये थोड़ा सा डालूंगी मैं किचन केक मसाला, और अब मैं इनको अच्छे से मिला लूँगी। तो देखिए अब इनका कलर देखिए, इतना प्यारा कलर आया है, और इसको तब तक भूनना है जब तक कि इससे ऑयल रिलीज ना हो, जब तक कि तेल वेल ना छोड़े, और दूसरी तरफ पानी से भूनिए। मेरे मसाले जो ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं और इसने अपना ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं कि पहले कितना था और कितना हो गया है, अच्छे से पक गया है।
अब मुझे इसे तो और थोड़ा सा, मैंने इसमें थोड़ा सा ना ऐसे जैसे थोड़ा सूख रहा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके जा रही थी कि ये जले ना और लगे ना नीचे कढ़ाई से। तो मैं इसको चलाते जा रही थी, इसको छोड़ना नहीं है, जो छोड़ेंगे आप तो ये जलने लगेंगे मसाले। तो अगर आप इसको, अगर आपका, आपको जो है इसका टेस्ट अच्छा चाहिए, तो इसको हमें चलाते ही रहना है जब तक कि अच्छे से कुक ना हो जाए और थोड़ी सी कम ना हो जाए, जैसे क्वांटिटी थोड़ी कम ना हो जाए। तो ऑलमोस्ट ये भून चुका। तो ये जो मेथी मटर है, अब मैं इनको क्या करूँगी, मसालों में डालूँगी और इसको क्या है अच्छे से भूनूँगी ताकि जो मसाले हैं इसमें अच्छे से मिल जाए और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है। तो मुझे इस जो है मैंने मैं जो मटर डाले हैं तो उनको अब अच्छे से चलाना है, क्योंकि ये जो डालने के बाद ना कि और जल्दी मतलब लगते हैं कढ़ाई के अंदर, तो हमें वो नहीं करना है, रोकना नहीं है, इसको चलाते रहना है, भूनते रहना है। और इसमें क्या करना है, मैंने दूसरी साइड जो है ना पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम गर्म पानी डालेंगे तो जल्दी कुक होएंगे, प्लस जो इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा, जो इसके फ्लेवर से वो काफ़ी अच्छे आएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो देख लीजिए मैंने पानी सब ऐड कर दिया है, पानी की जो क्वांटिटी थोड़ी कमी रखी है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और इसको थोड़ा थिक ही रखना है, जितना आप, अगर आपको थिक पसंद है तो थिक रखिए, पतला रखना है।